मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ द लाइफ पर, हम नहीं बोलेंगे बात। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। राठ स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही ने ले ली एक किसान की जान। मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के बिगवा गांव निवासी कुंवर लाल अहिरवार ने खेत पर पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में भर्ती कराया। देखिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जहां अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, एक कर्मचारी द्वारा उसे बोतल चढ़ाकर आगे उपचार से हाथ खड़े कर डॉक्टर के आने की बात कहकर तसल्ली दी गई। करीब डेढ़ घंटे बाद जब किसान ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया, तब स्टाफ कर्मचारी ने परिजनों को रेफर लेटर बनाकर मेडिकल कॉलेज उरई ले जाने की बात कही, जिसके बाद भड़के लोगों का आक्रोश देख कर्मचारी भी मौके से भाग गया। दो घंटे बाद अधीक्षक डॉक्टर आर के कटियार ने डॉक्टरों के न होने की बात कहते हुए परिजनों को डांट दिया। अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों की ड्यूटी कोविड अस्पताल में लगाई गई है, जिस वजह से डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही तथा डॉक्टर न मिलने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची भारी पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामनाथ, क्या घटना हो गई है? मेरे पापा मतलब वहाँ पे खेत में गए और वहाँ पर कोई पॉइजन ले लिया, और पॉइजन की पुष्टि नहीं हुई क्या खाया उन्होंने, और इसके बाद हम तुरंत ही इमरजेंसी में लाए यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि जब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम इलाज नहीं करेंगे। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता है, अगर मरीज नहीं बता रहा है तो आप अपने स्तर से इलाज करिए ना, उसका क्या मतलब होता है। तो इसके बाद इन्होंने मुझे इधर उधर करते रहे, कहीं वो दवा लाओ ये दवा लाओ, इसके बाद मना कर दिया दवा मत लाओ। और इसके बाद क्या किया इन्होंने, बोले एम्बुलेंस को फोन लगाओ। तो मैं 3-4 एम्बुलेंस को फोन लगाता रहा, 15-20 मिनट उसी में वेस्ट हो गया। फिर इसके बाद फिर इन्होंने जब मैंने फिर कहा कि आप करिए अपना इलाज, तो इन्होंने फिर जाके इन्होंने दवा लिखी और कुछ जो सब साफ करने वाला है वो है, जब तक 1.5 घंटा बीत चुका था ये सब करते करते, जब तक उनकी डेथ हो चुकी। इसके बाद इन्होंने जबरदस्ती हमारे जो बड़े पापा का छोटा लड़का है उसके हाथ में जबरदस्ती दे दिया। हमने लिया भी नहीं, रिसीव भी नहीं किया, इन्होंने जबरदस्ती रेफर लेटर दे दिया हमको। तो क्या किसी डॉक्टर ने देखा था? नहीं, डॉक्टर ने नहीं देखा है, यही बोल रहे थे कि हम डॉक्टर हैं। मैंने बोला डॉक्टर के तो आओ, बोले बताओ क्या बात है। मृत होने के बाद भी रिपोर्ट लेटर दिया? हाँ, मृत होने के बाद दिया वहाँ पे अंदर ड्रेसिंग रूम में। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ द लाइफ पर, हम नहीं।